वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं भद्रवाह से कैलाश की तरफ। कुछ दोस्त मिलके प्लान कर रहे थे कल, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से कैलाश की तरफ जाएंगे। तो आज आपको यहाँ से कैलाश तक का सफ़र दिखाएंगे और हमारा कैलाश कैसा है भद्रवाह में, तो नाग भगवान के दर्शन कराएंगे। तो बोलो जय नाग भगवान की जय। अभी हम भद्रवाह के नालथी गांव में पहुंच चुके हैं। भद्रवाह से थोड़ा सा ऊपर है, 3 या 4 किलोमीटर। तो यहां से पीछे का सफ़र दिखाएंगे अब आगे चल के। तो अभी हम नालथी गांव से एग्ज़िट कर रहे हैं यहां से कैलाश पर्वत की ओर। मनोज जी और अजय जो हैं वो शॉप पर गए पानी वगैरह लेने के लिए, तो यहां से एग्ज़िट करते हैं। फ़िलहाल मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी भी है थोड़ी थोड़ी सी, पर मज़ा आ रहा है ट्रैवलिंग में। तो यहां से चलते हैं कैलाश मंदिर की ओर। जय नाग भगवान। नालथी गांव के रोड से अभी कैलाश पर्वत की ओर चल रहे हैं। यहाँ से अब चढ़ाई शुरू होती है पर्वत तक। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो थोड़ा सा रेस्ट किया यहाँ पे, आराम किया, तो उसके बाद फिर से सफ़र शुरू कर दिया है। तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। फ़िलहाल हमने अपने ज़रूरत का सारा सामान ले लिया, जैसे कि कंबल हुए, तरपाल हुई और जैकेट वगैरह, क्योंकि ऊपर जाके बहुत ठंड होती है। तो हमने अपने ज़रूरत का सारा सामान ले लिया। हमने सोचा कि नाइट स्टे जो है वहीं पर करते हैं, आज की रात वहीं पर पहुँच कर गुजारेंगे हम कैलाश पर्वत पर। तो वहाँ पहुँच कर वहाँ का व्यू दिखाएंगे आपको। बहुत रास्ता कवर कर लिया, तो यहाँ पे बीच रास्ते में लंगर लगता है और कुछ सेवक यहाँ पे लोगों की सेवा में होते हैं, तो थोड़ा सा भोजन करते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं। हमारे मनोज जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, यहाँ तक बहुत मस्त मस्त पहुँचे, सुबह भी नहीं खाई। लंगर लगा है तो खाना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। भद्रवाह गाठा से छड़ी आती है कैलाश कुंड के लिए, तो वो आज यहाँ जहाँ पे हमने भोजन किया ना वहाँ पे रुकेगी वो छड़ी, और कल वो ऊपर कैलाश कुंड आएगी। तो हम आज ही जाएंगे और रात उधर गुजारेंगे, तो कल वापस आ जाएंगे। तो ये छड़ी वाले जो हैं ये मसा कल वहाँ पर पहुँचेंगे। चलते चलते काफ़ी दूर पहुँच चुके हैं पहाड़ी पर ऊपर, लेकिन यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बहुत दूर आ चुके हैं वैसे हम, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं यहाँ पर और यहाँ से फिर चलते हैं कैलाश कुंड की ओर। जय नाग भगवान की।
रास्ते में जगह जगह पर आपको लंगर मिलेंगे, और ये हमारे रास्ते में सेकंड लंगर था। पहला हमने जहाँ पे नीचे खाना खाया था उसके बाद ये सेकंड लंगर आया हुआ था। नीचे से चलते चलते बहुत ऊंचाई पे आ गए। यहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा लो हो रहा है। फिलहाल बहुत दूर आ गए। यहाँ के नाम का हमें भी पता नहीं है कि नाम क्या है यहाँ का। नहीं, चलते जाते। कैलाश कुंड की ओर जाते जाते हमें एक जड़ी बूटी दिखी है जिसका फल हम आपको दिखाते हैं। ये वाला इसकी जड़ों के अंदर, और ये जो फल लगा हुआ है इसके अंदर जहर पाया जाता है। गलती से भी अगर इंसान ने खा लिया तो फिर समझो हो गया राम नाम। थैंक यू भाई साहब। अभी जंगल इतना घना है और ऊपर से बादल भी छाए हुए हैं, दिन को अंधेरा लग रहा है। जंगल के बीच से चल रहे हैं, अभी टाइम दिखाते हैं आपको। देख क्या यहाँ से अब चढ़ाई का लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक भी चढ़ाई थी पर उतनी नहीं थी। अब यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, देख सकते हो। जंगल का जितना भी एरिया था वो सारा कवर कर दिया। जंगल से ऊपर क्रॉस हो गए, अब ऐसे ही पहाड़ियां हैं बिना पेड़ों के। मौसम देख सकते हो, बादल ही बादल चारों तरफ। अभी बादल नीचे और हम ऊपर हैं पहाड़ी पे, तो चलते हैं ऊपर। नाग भगवान की जय। भाई साहब तापमान पूरा गिर चुका है, टेम्परेचर बिल्कुल लो होता जा रहा है ऊपर जैसे चढ़ते जा रहे हो। और अभी बारिश भी लगी हुई है, बारिश चल रही है, बहुत ही घनी बारिश है। बहुत जोर की बारिश लगी है। बैग से तरपाल निकाल ली हमने और छत के ऊपर रख के ऐसे ही चल रहे हैं कदम कदम तीनों। और ऐसे ही ऐसे बहुत यूज में आ रहा है तरपाल। अभी हम रामकुंड पहुंचे हैं, यहाँ पर लंगर लगता है, लोग भोजन करते हैं यहाँ पर। और ये त्रिशूल देखिए कितना बढ़िया। रामकुंड से बहुत ऊपर आ गए थे, मतलब थोड़े से ऊपर खाना वगैरह वहाँ पे हो गया था, लेकिन ऊपर पहुँचते ही बारिश इतनी आ गई कि ऊपर से तरपाल रखे और चारों के चारों नीचे झुके हुए हैं। तो आस पड़ोस में कोई चले या कुछ भी हो तो पता नहीं चलता, और पता भी नहीं है कि कहाँ है। बीच रास्ते में ही बैठ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये हमने लगाई है पॉलीथीन। ऐ नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ऐ नाथ नारायण वासुदेवा। चलते चलते बहुत दूर पहुंच चुके हैं पहाड़ी पे। अब मतलब पहाड़ी का ही सफ़र चल रहा है, पहाड़ पहाड़ से चल रहे हैं, पत्थरों भरा रास्ता है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर।
तो ये धुंध जो है, बादल छाए हुए हैं, तो इसके कारण ना कुछ आगे दिख रहा है ना कुछ पीछे दिख रहा है। पर रास्ते पे चलते जा रहे हैं तो देखते हैं यहाँ से कैलाश कुंड तक कितना टाइम लगता है हमें। बादल देख सकते हो कितने सारे, नीचे जब बैठे थे बहुत ज़्यादा बारिश आई, वो तो हमारे पास तरपाल थी तो उसके नीचे बैठ के बच गई और कुछ देर बाद बारिश रुक गई। पर अब पहाड़ पहाड़ से चल रहे हैं तो बहुत घने बादल हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 या 12 फीट आगे दिखाई देगा और 10-12 फीट पीछे, पर ज़्यादातर धुंधी है। ऐसा माना जाता है यहाँ पत्थरों के बीच, मतलब बहुत पहाड़ी पे, कि आप पत्थर के ऊपर पत्थर रखोगे और घर बनाओगे तो जितने छत का आप घर बनाओगे यहाँ पर, तो भगवान नाग भगवान जो हैं, हमारे भोलेनाथ जो हैं, वो उतने ही छत का घर और आपको कामयाब करने में, आपका ड्रीम हाउस बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो हमारे डॉक्टर साहब अपना ड्रीम हाउस बना रहे हैं फ़िलहाल आज पहाड़ों में, फिर हकीकत का दिखाएँगे आपको कभी कभार। अब हमारे रोहित सर बना रहे हैं घर, देखते हैं इनका ड्रीम हाउस कैसा है। देखो हमारे बाबूजी मिस्त्री हैं तो हमें अच्छे से पत्थर लगाना भी आता है। भगवान करे कि हमारा ड्रीम हाउस जो है जल्दी बने, भगवान कामयाब करे। चलिए जी ठीक, जय भोलेनाथ। हम पहुंच चुके हैं कैलाश कुंड से थोड़े से नीचे, यहाँ से अभी एक घंटे का सफ़र है। हमने ऊपर से आने वाले लोगों को पूछा, कहते हैं एक घंटे का सफ़र है, पर व्यू देखो आप, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, मतलब ऐसा लगता है किसी और ही दुनिया में पहुँच गए हैं। दूर दूर तक देखिए सिर्फ धुंध और पत्थर ही दिखेंगे आपको। पत्थर देख सकते हो आप यहाँ कितने सारे हैं, और मतलब अजीब से पत्थर, ऐसा लगता है किसी ने बिखेर के डाले। वहाँ पर कैलाश से थोड़े से नीचे अभी यहाँ का व्यू देखना कितना प्यारा है। अभी थोड़े से बादल हटे हैं यार, क्या मतलब स्वर्ग में बहुत हाई लेवल का फील आता है। धूप भी दिखी अभी सुबह से, अभी वहाँ से धूप थोड़ी सी दिखी। कैलाश कुंड के पास पहुंचते ही नजारा देख सकते हो आप, कितना प्यारा है। पता नहीं चलता कब धुंध आए कब चली जाए, एक मिनट के अंदर मौसम चेंज हो जाता है, पर व्यू कदई जहर। कैलाश कुंड के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, देखिए सामने यहाँ यहाँ हमें जाना है। बाप रे क्या व्यू है, कैलाश कुंड के थोड़े से नीचे यहाँ पर चाय लगा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, तो हमने भी चाय ले ली और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो चाय पीते फिर चलते हैं नाग भगवान के पास। सबसे पहले यही घुसते हैं यहाँ पे, लंगर सबसे पहले।